नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर सेफ्टी ट्रेनिंग में काफ़ी जोर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसलिए बिना सेफ्टी के प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी घातक साबित होती है। दोस्तों हाई वोल्टेज कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है या फिर नहीं, उसे हम चेक करते हैं डिस्चार्ज रॉड की मदद से। लेकिन दोस्तों इसी जीवनदायी इक्विपमेंट की सही इस्तेमाल ना होने की वजह से पास्ट में कई सारे हादसे हो चुकी हैं। तो इस डिस्चार्ज रॉड का इस्तेमाल में क्या क्या गलती होता है और इसका सही इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप डिस्चार्ज रॉड लगाने की इस प्रोसेस को देखिए और देख कर ये बताइए कि इसमें आपको कोई गलती दिखाई दी या फिर नहीं। कहीं पर भी डिस्चार्ज रॉड लगाने से पहले केबल के एक सिरे को ग्राउंड कर देना होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर अर्थिंग प्लेट उपलब्ध है, इसलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों जब फील्ड पर काम होता है तो वहाँ पर अर्थिंग प्लेट नहीं होता है, तो अर्थिंग प्लेट के बदले वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अर्थिंग रॉड। इस तरह से दोस्तों अर्थिंग रॉड का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों जब केबल का एक सिरा ग्राउंड हो जाता है तो उसके बाद डिस्चार्ज रॉड को तार पर टच करके देखना होता है कि तार में पावर है या नहीं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कोई गलती हो रहा है या फिर नहीं। अगर आपको गलती यहाँ पर दिखाई देता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि डिस्चार्ज रॉड को किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इसमें कोई गलती है, आपको क्या लगता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारे गलतियाँ हुई हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही प्रोसेस को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। तो इस बार दोस्तों सबसे पहले हम डिस्चार्ज रॉड के सिर पर एक सिंगल वायर मोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल वायर एक फ्यूज का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है चलिए आपको दिखा देते हैं। पिछले प्रोसेस में आपने देखा दोस्तों कि डिस्चार्ज रॉड को हमने पूरी तरह से कंडक्टर के साथ फंसा दिया था। अब इस कंडीशन में अगर तार पर करंट हुआ तो यहाँ पर दोस्तों एक ज़ोरदार फ्लैशिंग होगा और इस हाई स्पार्किंग की वजह से या तो कंडक्टर मेल्ट होकर टूट जाएगी या फिर कंडक्टर और डिस्चार्ज रॉड दोनों आपस में जॉइंट हो सकती है। तो इसके बदले में अगर दोस्तों हम इस फ्यूज सिस्टम का इस्तेमाल करें तो जैसे ही वो सिंगल वायर मेन तार के कंटेक्ट में आएगा वो खुद मेल्ट हो जाएगा। इससे दोस्तों जो मेन कंडक्टर रहेगा वो सेफ रहता है। दूसरी गलती यहाँ पर क्या हुआ है देखिए दोस्तों, पिछली बार मैं मेन कंडक्टर के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था, जो बिल्कुल ही सेफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर स्पार्किंग हुआ तो आग का टुकड़ा डायरेक्ट शरीर पर गिर जाएगा, जो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसलिए दोस्तों हमेशा तार के साथ दूरी बनाते हुए खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो गलतियाँ यहाँ पर हमने देखा है, क्या और भी कोई गलती हुई है, आपको क्या लगता है? जी हुआ है। पिछली बार दोस्तों जो डिस्चार्ज रॉड से केबल निकला है वो शरीर पर सटा हुआ था, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दोस्तों मेन कंडक्टर से करंट इसी केबल से होकर गुजरेगी, इसलिए इसे हमेशा शरीर से दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है वहाँ पर भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए हमें सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।